दुनिया भर में भारत गोल्ड का दूसरा बड़ा कंज्यूमर है। हर साल ज्वेलरी और निवेश मांग के लिए सैकड़ों टन सोने की खपत भी होती है, लेकिन बचत के लिहाज से देखा जाए तो भारत का बहुत छोटा वर्ग बचत के लिए सोना खरीदता है, और उस छोटे वर्ग में भी अधिकतर हिस्सेदारी उन परिवारों की है जिनकी मासिक कमाई 50,000 रुपए से ऊपर है। देश में हर साल लगभग 800 टन गोल्ड की खपत होती है और उसमें 600 टन से ज्यादा हिस्सेदारी ज्वेलरी की है। इसके अलावा निवेश के लिए हर साल 180 लाख टन से ज्यादा गोल्ड बार और क्वाइन की खपत भी होती है, लेकिन इस खपत में अधिकतर हिस्सेदारी ज्यादा कमाई वाले लोगों की है। मनी नाइन ने भारतीय परिवारों की कमाई, खर्च, बचत और निवेश को लेकर एक सर्वे किया है और इस सर्वे से पता चला है कि बचत के लिए भारत के केवल 15% परिवार ही गोल्ड खरीदते हैं, और उन 15% परिवारों में भी 29% हिस्सेदारी उन परिवारों की है जिनकी मासिक कमाई 50,000 रुपए के ऊपर है। सबसे कम आय वर्ग यानी वो परिवार जिनकी मासिक कमाई 15,000 रुपए से कम है, उनमें सिर्फ 8% परिवार ही बचत के लिए गोल्ड खरीदते हैं। सर्वे से ये भी पता चला कि देश में सबसे ज्यादा कर्नाटक के परिवार बचत के लिए गोल्ड खरीदते हैं, इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र का स्थान है। सर्वे ये भी बताता है कि गोल्ड होल्डिंग के मामले में देश के टॉप 5 जिलों में गुजरात के सूरत, आंध्र प्रदेश के कृष्णा, महाराष्ट्र के ठाणे, कर्नाटक के बेल्लारी और कर्नाटक के ही उत्तरी कन्नड़ा जिले का स्थान है। मनी नाइन के सर्वे के नतीजे ये भी बताते हैं कि देश के जिन क्षेत्रों में आर्थिक तौर पर संपन्न ज्यादा परिवार रहते हैं, वहीं पर लोगों के पास ज्यादा गोल्ड होल्डिंग है। यही वजह है कि देश में सोने की खरीद का संतुलन बिगड़ा हुआ है। कई जगहों पर ज्यादा सोना खरीदा जाता है तो कई जगहों पर कम।